लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैंप लगाकर मजदूरों की सहायता की। संत हिरदाराम नगर में विधायक रामेश्वर शर्मा ने मजदूरों के भोजन की व्यवस्था करने के साथ जरूरत की सामग्री बांटी। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। संत हिरदाराम नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार पलायन कर रहे मजदूरों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने मजदूरों के लिए राहत सामग्री का कैंप लगाकर गरीब और भूखे लोगों को भोजन के पैकेट के साथ अन्य सामग्री बांटी। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार असहाय और गरीबों की मदद की जा रही है ताकि कोई भी गरीब मुसीबत से समय में भूखा न रहे। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर एक संवेदनशील सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, आप देख रहे होंगे हमारे विधायक आदरणीय रामेश्वर जी, आदरणीय विष्णु बत्री जी, हमारे जिले के अध्यक्ष हैं सुमित पचौरी जी, हमारे लोकेंद्र पारासर जी, सभी लोग और हमारे मंडल के यहाँ के जितने हमारे सभी कार्यकर्ता आप देख रहे हैं जिस गति से लगे, सबने तय किया है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर बड़वानी से लोग घुस रहे हैं और पूरे देश भर के लोग मध्य प्रदेश के अंदर आए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की, जो लोग आपके राज्यों से निकल रहे हैं आप हमको इन्फॉर्मेशन दो कितने लोग आ रहे हैं, कोई भूखा यहाँ से नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं रोड पर लोग निकल रहे हैं, उनको जिनके पास जूते चप्पल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उनको जूते चप्पल पहनाने का काम भी मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी मात्रा में किया है और गाड़ियाँ उपलब्ध कराने का काम, यहाँ पर जो आ रहे हैं उनको बिठाओ और उनको उनकी सीमा तक छोड़ो। इसलिए इस घोर संकट के अंदर हमारे मजदूर बहुत परेशानी में, जिस प्रकार से एक बड़ा संवेदनशील मामला है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की सरकार बहुत गंभीरता के साथ उन सब के लिए काम कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ एक दौरा बना है जहाँ जहाँ सेवा कार्य चल रहे हैं, हमारे पार्टी से समर्थित कार्यकर्ता या अन्य जो समाज सेवा वाले सेवा कर रहे हैं उन सबका धन्यवाद करने के लिए हम प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ, जिलाध्यक्ष हमारे दोनों और विष्णु खत्री जी हमारे विधायक बैरती, हम सब लोग संयुक्त रूप से निकले। हम सबका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मध्य प्रदेश की धरती में जो प्रवेश किया है वो मध्य प्रदेश का अतिथि है, उस अतिथि का सत्कार कराना, उसको भोजन कराना, उसको सुविधाएं देना और उसको गंतव्य स्थान पर बस और ट्रेन के द्वारा भेजना, ये शिवराज सिंह सरकार का वचनबद्ध है और सरकार ने ये वादा किया है और शिवराज जी लगातार ये काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कोरोना से जीतेंगे, हर गरीब को उसके मुकाम तक पहुँचाएंगे। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।